ಕೋಟಿ ಕೋಟಿರಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾ. ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी. चरणों में झुके बादल भी तेरे पर्वत पे लगे शैया तेरी. हे काल रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. 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 जैसे धारा और नदियाँ जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है तू. जब न होगा तेरा चल न मेरे होंगे जल थल जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू. दुख दूर हुआ मेरा सारा अंधियारों में चमका तारा. नाम तेरा जब भी है पुकारा. सूरज भी यहाँ है चंदा भी तेरे जैसा उजाला. Thank you.
हमने जो जोत जगाई, जिस चीज से जोत जगाई उसे लंगूर वीर कहते हैं। मेरा ब्याह हो चुका है, लेकिन मैं आपको यह वरदान देता हूं कि कलयुग में आप ही का राज होगा, और जहां जहां पर आपकी जोत जगाई जाएगी, सबसे पहले आपकी रक्षा के लिए ये मेरा जो दूत है हनुमान, वो आपकी रक्षा के लिए वहां पर मौजूद होगा। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है, हमारे संकट हनुमान जी नाश कर देते हैं। एक बार हनुमान जी का नाम लेते हुए हाथ उठा के कहिए जय बजरंगबली। सबको सबको बोल के रखना।
बचती रहेगी माँ यहीं पर रहेगी। आइए गणेश जी का ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद देते हुए इस भव्य चौकी का हम श्री गणेश करते हैं।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुम देह सर्वकार्येषु thank you.
इसने जब जहां जिस वक्त जोत जगानी हो ये अपने खेल खुद कर देती है। लोग आते हैं, हर किसी की मुराद पूरी नहीं होती, क्योंकि जहां की जैसी भावना मैया वैसा ही फल देती। करोड़ों आते हैं, सब मांगने के लिए आते हैं, सबकी झोलियां भरपूर नहीं होती। आज सच्चे मन से जो मांगने आए हो एक बार हाथ उठा के सच्चे दिल से माँ का नाम लीजिए, कहिए जय माता दी। तेरी माया महामाया समझ न पाया, समझ न पाया। मुझे मेरी माँ ने बताया था, अरे
आपके चरणों में उन्होंने Yeah.
माँ, जिसे कोई अम्बे कहता है, कोई जगदम्बे कहता है, काली कहता है, वैष्णो कहता है। दरअसल इस माँ के नौ रूप हैं, जिन नौ रूपों से नवरात्रे होते हैं। आइए आज मैं आपको माँ से मिलाता हूँ, लेकिन उसके लिए एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए आते हैं।
सदा रहे खुशहाल गणपति हार जो पहले तुम्हें मनाए जनता की आवाज है, एकता में शक्ति होती है। उठाइए हाथ और बोलिए गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, मोरिया रे बापा, मोरिया रे, मोरिया रे बापा, मोरिया रे, मोरिया रे बापा, मोरिया रे, घर में आई महामाया, घर में आई महामाया।
क्यों बैठे हो? उठ जाओ। शर्माओ मत, ये मत देखो मुझे कोई नाचता हुआ पकड़ न ले। नाचोगे कई तरह की पकड़ों से आजाद हो जाओगे। उठ जाओ। Thank you.
करते हुए हाजिरी लगाना है और माँ को कहना है क्या?
Thank you.
जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद एक बार हाथ उठा के एक बार फिर कह दीजिए
करते हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू जाता है माथा टेक के आता है, मुसलमान जाता है सजदा करके आता है। ये वो पीर है जिसने हम सबको ये संदेश दिया, सबका मालिक एक है। आइए उस महाराष्ट्र के पीर संत श्री साईनाथ महाराज को याद करते हुए कहें, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे पन के आ
हमारे बीच में है। माँ भगवती को शॉल रूपी का आशीर्वाद इन्हें प्रदान करते हैं। माँ भगवती से ये विनती करते हैं, इसी तरह से इन बच्चों को, इन साथियों को आपका साथ मिलता रहे, इसी तरह से आप भी आगे बढ़ें, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। आज नगर सेवक है, ये एक छोटा सा क्रम है, ये क्रम में आगे बढ़ते रहें, आप आगे बढ़िए, ये सारे आपके साथ हैं। एक बार इनके लिए हाथ उठा के ताली बजाते हैं। लाल मेरी हो वो लाल मेरी लाल 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 लाल
स्वागत माता की चौकी के कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। और हम भाजपा के जिलाध्यक्ष गरज साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पे उपस्थित रहे, और आपको विनती करते हैं कि आप यहाँ पे सबको दो शब्द में लोगों को यहाँ पे आज के कार्यक्रम के दिन पे शुभकामनाएं प्रदान करें, ऐसे आपको विनती करते हैं। माता की चुनरी देके साथ का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। सबको विनती है कि जोरदार तालियों के आवाज में आप इस बीच में गैप दे दो ना, साइड में जरा बीच में।
तथा माननीय गरज जी साहब को विनती करते हैं कि आज के इस शुभ अवसर पे गरज साहब को एक प्रतिमा देके यहाँ पे उनका खास स्वागत किया जा रहा है। नहीं नहीं मेरा मत कीजिए, शेट्टे साहब का कीजिए, समाज सेवक शेट्टे साहब, इनका यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है माता की चौकी में। बोलो वंदे मात की। यहाँ पे माननीय देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी की छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद का एक बड़ा पोस्टर माननीय रामचंद्र जी गरज साहब को यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इस अवसर का आप सब मान बढ़ाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं माननीय गरज साहब इनको विनती करता हूं कि आप यहाँ पे सबको शुभकामनाएं प्रदान करें। माता जी की इस चौकी के अवसर पर सारे मेरे माताओं भगिनीनों और भाइयों, बहुत खुशी का माहौल दिख रहा है। माता जी की चौकी यहाँ पे हो रही है, मैं भी हर्ष हुआ हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में आके बहुत बड़े पैमाने पे मेरी बहन यहाँ पे नाच रही थी, मेरे दोस्त, मेरे युवक, मेरे यार यहाँ पे नाच रहे थे। माता जी की भक्ति में ये सारे अपने अपने को भूल के माता जी की पूजा के तरफ इनका ध्यान गया था। और ये ध्यान हमला के मैंने अपना गलती की ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे हम लोग माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और मेरे लिए कार्यक्रम रुका हुआ है। ये मेरे को बहुत मतलब दुख की बात है कि मेरे लिए रुका हुआ है। ये कार्यक्रम ऐसा ही चालू रहे, आपके साथ मैं भी नाचूं, ऐसा मेरा दिल कर रहा है और माता जी का भक्ति की भावना है। तो आपको सबको मैं बधाई देता हूँ, माता जी से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला ये समय आपके मेरे बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए आने वाला ये समय एक अच्छा तरह आरोग्यदायी, जिसको हेल्थ, अच्छी हेल्थ सबको मिले, माता जी का आशीर्वाद सबको मिले, सबके सब अपने परिवार में हंसते खेलते रहे, ऐसा एक माता जी से मैं आशीर्वाद आपके लिए देता हूँ। आपका बहनों का भाई समझ के, हमारे यारों का दोस्त समझ के आपके लिए मैं आशीर्वाद मांगता हूँ और यही मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय माता, जय श्री राम। आभार प्रकट करते हैं गरज साहब का, आपने यहाँ पे शुभेच्छा दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी आयोजक पवन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको जो इतना मंत्र मिला है इसके लिए पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र इन्होंने एक बात कही कि इनका दिल है आप सभी के साथ महारानी के चरणों में झूमने का, तो मैं चाहूंगी कि इनके लिए मैं एक नाचे की जरूर लगाऊं एक कबीर राय के चरणों में और आप सभी के साथ झूमेंगे नाचेंगे कैसे। सभी भक्तों के साथ झूमे क्योंकि इन्होंने आप सभी के बीच में कहा कि मेरा भी झूमने का हाजिर लगाने का दिल कर रहा है, तो मां के चरणों में जितने भी भक्त हैं हाजिर लगाएंगे कैसे।
अब प्रभु श्री कृष्ण की झांकी हम पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं ताकि हम प्रोग्राम आगे बढ़ा सकें। राधे Oh,
और बहुत अच्छी लगती हो। चलो बाद में खेलने चलते हैं। देखो डॉलर, ये तुम्हारी सारी चालाकियां समझते हैं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी। मुझ पे डोरी डालना बंद कर दो, समझे?
कुमार। हाँ बेटा कन्हैया। सुदामा, ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र खुशी से मिले। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, है इधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के
अचंभा, ये मेहमान कैसा सजीवा गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा सजीवा गया है, ये मेहमान कैसा सजीवा गया। जैसे कि सबको बिठा दिया गया है तो बैठ कर भी तालियों का साथ अब जिसे हाजिरी ले जानी है वो हाजिरी भी ले जाए।
की यही दुआ है जुग जुग जिए तो हैप्पी बर्थडे टू यू
अपने मात पिता के बाबा भैरव बाड़ी सदा जय कर विनम्र विनती है, कृपया करके यहां से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। जिस तरह कोई भी मंदिर में जोत का प्रसाद देने के पश्चात बारी बारी को लाउड लगाकर जरा आई हुई तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विशुसुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आमहेसौ मनसाय रुद्रं नमोऽभिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेना आप्यायस्व सदाशिवो Yeah!